तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग सही सही से पढ़ रहे होंगे, 10-10 घंटा 12-12 घंटा मेहनत कर रहे होंगे, उसमें भी आपको ऑनलाइन क्लास भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग आज हम लोग देखेंगे साइंस का, क्लास 10 साइंस का मोस्ट ब्रिलियंट फिगर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आपको जरूर आएगा। फ्रेंड्स, यह तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिलामेंट वाला जो बल्ब वाला होता है, यह 2 नंबर का पूछता है, लेकिन यह जो है ना श्वसन वाला, यह पाचन तंत्र वाला 5 मार्क्स का, और न्यूरॉन भी 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। आपका यह फिलामेंट वाला 2 मार्क्स का पूछता है, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि यह फिलामेंट जो है बल्ब वाला आ सकता है, इस साल आएगा, इनको बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है। न्यूरॉन भी पूछा हुआ, बहुत दिन हो चुका है, इसको भी पूछेगा, क्योंकि मानिए कि 18 में पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी 18 में पूछा हुआ है। तो इस तीनों में से आपको यह नहीं तो यह जरूर आएगा, लेकिन मैं आपको गेस करता हूँ कि यह बल्ब वाला आएगा तो आएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 नंबर में आएगा, यह दोनों 5 मार्क्स में आएगा, यह दोनों, ठीक है। तो चलिए अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपको 18 फरवरी को यही प्रश्न पूछे जाएगा चित्र में, ठीक है। अगर आप देख लेते हैं तो मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, सब्जेक्टिव फिगर बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या है, मैंने यहाँ प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ प्रश्न को मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन पाचन क्रिया का वर्णन करें। क्या है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचना है और भोजन पाचन की क्रिया का वर्णन करना है, तो आपको 5 मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता है, हमको वादा है, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिगर, देखिए यही है मानव पाचन तंत्र, देखिए प्रश्न क्या है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, देखिए यह पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है, यहाँ पर देख लीजिए 5 मार्क्स कोई नहीं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को यहाँ पे परिभाषा को पढ़ लेते हैं, देखिए परिभाषा है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है तथा छोटी आंत से समाप्त होती है। वाह वाह, याद रखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है, मुख्य गुहा से ओहो क्या हो रहा है भाई, देखिए मुख गुहा से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में समाप्त होती है, मुंह में दांत तथा जीभ की मदद से भोजन पीसकर महीन हो जाता है, यहाँ लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन में मिलता रहता है, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम होता है। अब पूछेगा आपको मनुष्य के शरीर में लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन एंजाइम पूछ सकता है, टाइलिन एंजाइम, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, टाइलिन एंजाइम भोजन में स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, इसके बाद भोजन ग्रासनली से होता हुआ आमाशय में आ जाता है, आमाशय की भीतरी सतह पर जठर ग्रंथियां, यहाँ पर क्या लिखा, जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में जठर ग्रंथियों से किसका रस स्राव होता है, तो जठर रस का स्राव होता है, जठर रस का यहाँ पे स्राव होता है। इस स्राव में मुख्यतः 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को तीव्र करने तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होता है, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को खंडित, आगे बढ़ते हैं हम लोग, खंडित आगे हम जूम कर लेते हैं, खंडित यहाँ पर देखिए जूम कर लेते हैं इनको, खंडित कर पेप्टोन में बदल देता है। आपको इसको थोड़ा मोड़ा याद कर लेंगे ना इसको, तो आप लिख पा लेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं, देखिए थोड़ा इनको आप देख लेंगे, देखिए ये स्टेटमेंट है, इनको लिख दें ना, इनको अगर आप इनको लिखते हैं तो आपके यहाँ से 2 मार्क्स जरूर बन जाएगा, 2 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, 2 मार्क्स इनको लिख लेते हैं तो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद अगर आप यहाँ पे यह पूरा फिगर बना लेते हैं, ओहो ये क्या हो रहा है, देखिए अगर आप यहाँ पर ये पूरा फिगर बना लेते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग फिगर को समझते हैं, तो आपको फिगर कुछ इस प्रकार बनाना है और यहाँ पे लिखना है लार ग्रंथि, ग्रासनली,
प्लीहा, अमाशय, अग्नाशय, कोलन, रेक्टम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका अपेंडिक्स, छोटी आंत, पित्त की थैली, पित्त की थैली एकृत है, डायफ्राम है, ट्राइकिया है, मुख है, मुख मतलब मुंह है, ठीक है। तो इनको आप लिख लेना जरूर, ठीक है। और आप लगा देना नीचे मानो पाचन तंत्र लगा देना, आपको 5 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा स्टेटमेंट को यहाँ पर हम जूम कर देते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। आप कॉपी में ऐड कर लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा लो लवे धीरे धीरे स्वीप अप कर दे रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोके मैं छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा, चलिए बहुत 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 हो गया, बस बस बस, चलिए तो आगे बढ़कर हम लोग देखिए। उसके बाद 18 में ही पूछा गया है, 8वां में पूछा गया प्रश्न है, कौन कहते हैं कि इस साल अगर 8वां में ना पूछ कर आपको डायरेक्ट पूछ देगा, है। चलिए यहाँ पर आप न्यूरॉन का चित्र फिगर देखेंगे, न्यूरॉन का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर मैं छोटा छोटा इसी करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, हो गया, चलिए ठीक है। तो एक प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन को कहा जाता है कि संरचना चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों को वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ, जूम से पढ़ेंगे, ठीक है, जूम से, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, पूछ सकता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन 3 प्रकार की होती है, कार्य करती है, 3 प्रकार से कार्य करती है। देखिए इनका 3 प्रकार कार्य कौन कौन है देख लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। संवेदिक तंत्रिक कोशिका एक होता है, एक होता है प्रेरक तंत्रिक कोशिका, एक तीन होता है बहुध्रुवी तंत्रिक कोशिका। इस इन सभी का आपका परिभाषा दिया हुआ है, और आप यहाँ पे आप वन सेकंड आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ मैं फिगर को समझाता हूँ, देखिए फिगर कैसे क्या है, इस तरह फिगर बना लेना है आपको, इस तरह आपको फिगर, ओहो ये क्या हो रहा है, देखिए इस तरह फिगर आपको बना लेना है। और उसके बाद लिखना है जो रेगाड़ी टाइप के इस तरह है, उनको कहना है डेंट्राइट्स कहना है। और उसके बाद जो केंद्र है यहाँ पर केंद्र है या, इनको आपको बोलना है क्या, साइटोन बोलना है, क्या बोलना है, साइटोन बोलना है, मतलब जो झिल्ली है उसी को साइटोन बोलेंगे, जो केंद्र का झिल्ली है उसी को साइटोन बोलेंगे, ठीक है। डेंट्राइट्स हो गया और साइटोन भी हो गया, और जो केंद्र है ना यह केंद्र उसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं, जो ठीक है गोल है केंद्र बोलते हैं। और जो पतला आएगा वह एक्सॉन हो गया, उसके बाद लिखेंगे स्वान कोशिका, उसके बाद रेनवियर के नोट्स, ठीक है रेनवियर के नोट्स हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेनवियर के नोट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका बीच वाला है मेडुलरी या माइलिन शीथ, ठीक है उसको हम एक्सॉन बॉल भी कहते हैं, ठीक है यहाँ पर उसको माइलिन शीथ, ठीक है। और इसको जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा रेगाड़ी हो गया चीन मिट गया है, उसको एक्सॉन बल्ब कहेंगे, क्या एक्सॉन बल्ब कहेंगे, क्या बोलेंगे एक्सॉन बल्ब कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सॉन बल्ब कहेंगे। और जो नीचे वाला है इस तरह है, उनको हम लोग कहेंगे सूत्र युग्मन गांठ है, क्या बोलेंगे सूत्र युग्मन गांठ है। तो आई होप दोस्तों हमको पूरा उम्मीद है कि फ्रेंड्स मैं आपको कहता हूँ कि इनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है आप वन सेकंड रुक जाइए, इनको आप जरूर देखिएगा, मैं कहता हूँ इनको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह पूछ सकता है। और जो बल बल हम बताएंगे इसके बाद उसको आप तो स्क्रीन शॉट रटिए जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का फिगर पर देखिए, ओह डबलिंग हो चुका है न्यूरॉन वाला, चलिए आप लोग हम समझ लिए, चलिए आइएगा बल्ब वाला, ठीक है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए बल्ब वाला विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए, दोस्तों ये 2 नंबर का पूछेगा, 2 मार्क्स का, क्या ओहो 2 मार्क्स का पूछेगा, ज़्यादा का नहीं पूछता है, 2 मार्क्स का पूछता है, ठीक है कितने का, 2 मार्क्स का पूछता है। देखिए तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले छोटा कर देते हैं, लिखना है उत्तर में लिखना है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार है। तो आपको बल्ब इस तरह बना लेना है, और जो इसमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यह तार टाइप का, उसको आपको क्या लिखना है जानते हैं, उसको क्या लिखना है, आपको लिखना है फिलामेंट, और उसके बाद जो उसमें इस तरह का होता है एक तारवा, मतलब यह सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक फिलामेंट हुआ, यह सभी फिलामेंट हुआ। और जो इस प्रकार का उसमें टंगस्टन तारवा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि इस प्रकार रहता है तार जलने के लिए, उसी को आवर्धित फिलामेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे आवर्धित फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों को पूरा मुझे कि आप लोग समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए तो बल्ब आप लोग थोड़ा इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट,
जल्दी वैट क्या बात, चलिए चलिए ओके, वाह 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 छाप लो, चलिए आह बहुत अच्छा। यह भी प्रश्न है क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा भी गया है। देखिए 30 नंबर में, मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यह भी आपको और ये सब बना देते हैं, इसमें लिखना उखना नहीं है, तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये क्या हो रहा है भाई, क्या होगा आपको इस तरह बना लेते हैं तो 1 सेकंड, तो आपको 5 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। क्या होगा, 5 मार्क्स जरूर मिल जाएगा, 5 मार्क्स ठीक है। देखिए तो आप बनाना किस प्रकार, सबसे पहले उत्तर लिखने का तरीका देख लीजिए। उत्तर लिखेंगे मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र निम्नलिखित है या इस प्रकार है, ठीक है। तो आपको चित्र बनाना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सल्कस, यह होगा गायरस, यह होगा सेरिब्रम, सबसे ऊपर वाली भाग सेरिब्रम, यहाँ से यहाँ तक हो गया कॉर्पस कैलोसम हो गया, और इधर जो भाग होगा वह सेरिबेलम हो गया, ठीक है। और इधर जो भाग है उसको बोलेंगे पॉन्स वेरुलाई, और इधर जो भाग हो गया उसको बोलेंगे मेंडुला ऑब्लांगेटा, क्या बोलेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा बोलेंगे, ठीक है मेडुला ऑब्लांगेटा बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों हमको पूरे उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी आ गया होगा समझ में, थोड़ा बनाकर आपको कॉपी में खूब रिवाइज कर लीजिए क्योंकि आप आ सकता है। तो आप बताइए 5 नंबर का सवाल है, क्या बोले आप लोगों को, चलिए यह उतना हमको विवेक नहीं लग रहा है लेकिन देख लीजिए कहीं आ सकता है, 5 मार्क्स में आता है। नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, तो नेफ्रॉन इस पर बना लेना है और इसमें जो कार्य विधि है उनको आप लिख, कार्य विधि नहीं पूछता है इसमें, इस पर जो मैं इसमें स्टेटमेंट है बोने कैप्सूल ग्लोमेरुलम सीरा धमनी सब लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए लास्ट में इनको तो आप जरूर देख लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना लीजिए, मादा जनन तंत्र, अब आपको क्या बोले बचपू मादा जनन तंत्र, तो उत्तर लिखेंगे तरीका मादा जनन तंत्र के नामांकित चित्र निम्नलिखित है। तो आपको देखिए इस पर फिगर बनाना है, यहाँ पर देखेंगे बल्बा यूरेथ्रा होता है, बल्बा होता है, यहाँ योनी होता है, जोनी जोनी जो हम जोनी कहते हैं, यह हो गया हाइमेन, यह हो गया गर्भाशय, यह हो गया अंडाशय, यह हो गया अंडाशय की अंडवाहिनी का शीर्ष हो गया, क्या हो गया अंडवाहिनी का शीर्ष हो गया, यह तो अंडाशय हो गया आपका, गर्भाशय हुआ, योनी हो गया, हाइमेन हो गया, बल्बा यूरेथ्रल हो गया, बल्बा होता है वह अंडवाहिनी का शीर्ष, यह हो गया ठीक है। यह होगा फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी का फैलोपियन नलिका यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी इनको समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए हम यह कैसे जान पाते हैं कि यह छोड़िए थोड़ा इस आगे फोटो पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आप इनको जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, इनको जरूर सीख लीजिए क्योंकि यह आ सकता है बल्ब का फिलामेंट बनाने वाला, और थोड़ा इनको देख लेंगे, इनको मैंने मेन तीन गो है, ठीक है देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फटाफट लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। हम आप लोगों के लिए कॉल आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराया जाएगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2009 से लेकर 2021 तक, तो उनको आप जरूर देखिएगा, कल सुबह 7 बजे लाइव आएंगे, ठीक है, आज शाम को 7 बजे यह वीडियो अपलोड हो रहा है, लाइव चल रहा है, ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।